सुबह चाहे शाम, सुबह चाहे शाम। बोलिए अनंतर सिद्ध परमेश्वर भगवान की, मूलाक्षी आदिनाथ भगवान की, परमपूज आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की, परमपूज आचार्य महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरुदेव की, परमपूज आचार्य संगति सागर जी गुरुदेव की। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले चतुर्थ पटल दी चतुर चक्रवर्ती आचार्य स्वामी सागर जी गुरुदेव की। बोलिए आचार्य संगति की। आचार्य जागृति एंक्लेव में थे तो आचार्य ने वहां पर प्रश्नोत्तर रत्न मालिका पढ़ाई थी। जो जो उपस्थित थे जिन्होंने उसका लाभ उठाया था, तो आचार्य ने बहुत सारी बातें उसमें बताई थी। तो उसमें एक बहुत सुंदर बात आती है कि पातु कर्णांजलि किम नतमेव कर्ण रूपी अंजलि। कर्ण रूपी अंजलि को पीने के लिए अमृत के समान क्या है? आचार्य भगवान ने बताया था कि कर्ण रूपी अंजलि को पीने के लिए अमृत के समान क्या है? कर्ण रूपी अंजलि कर्ण को अंजलि बनाकर अमृत को पीने के अमृत रूप को पीने के समान क्या है? क्या है? जिनवाणी, गुरुओं का सदुपदेश। तो इस बात को अपन समझेंगे कि जब आचार्य भगवान छोटे छोटे थे, छोटे छोटे से होते जब बड़े हो गए, तपस्वी सम्राट गुरुदेव के चरणों में आ गए, उनसे सदुपदेश को सुना और सदुपदेश को सुन करके अपने जीवन को पल पल एक एक समय को अपने जीवन को इतना निखारा, इतना ऊपर उठाया कि आज खुद ही समय समय को करके आज समय सार के रूप में हमारे सामने उपस्थित है आचार्य श्री सुनील संग जी गुरुदेव। तो आइए, इन्होंने गुरु के उपदेशों को सुन करके गुरुओं की भावना को, गुरु के चरणों में रह करके, गुरु की संदेशना को सुन करके, अपने जीवन को निखार करके बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में आत्मसात किया और चर्या चक्रवर्ती के रूप में आज हमारे जी बीच में उपस्थित है। उन्होंने गुरु के द्वारा सब चीज को जान करके, पहचान करके, जीवन में उसका अनुकरण करके कैसे बढ़े और कैसे आगे बढ़ बढ़ के अपने जीवन को बढ़ाया। और फिर बहुत सारे उन्होंने पढ़ पढ़ के शास्त्रों को, एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है। जब क्लास चलती है यहाँ पे 3 बजे से 6 बजे तक की, 6:30 बजे तक की जो क्लास चलती है, वहां पे एक आपने साइड में देखा होगा बहुत बड़ा डेस्क लगा हुआ है, उसमें आचार्य भगवान के बहुत सारे शास्त्र लिखे हुए हैं। उन्होंने उस चीज को अपने जीवन में उतारा और आज उस शास्त्र को प्रतीत करके आप सबके जीवन में कि उसी जीव अपने जीवन में उतारिये। और इसी भावना से आचार्य श्री ने गुरु के चरणों में रह करके, गुरु की चर्या को देख करके सोचा, एक पिता एक बच्चा ये सोचता है कि मेरे पिता के बारे में भी मेरे पूरे जीवन को पता होना चाहिए कि मेरे पिता कैसे थे, मेरे पिता क्या करते थे, कैसे क्या करते थे। और उनके जीवन को अपने जीवन में निखार करके उन्होंने बताया अनूठा तपस्वी रूप में। तो आइए, अनूठा तपस्वी उन्होंने बहुत सारी चीजों को बताया है कि जीना कैसा है, मरना भी कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, आहार दान कैसे करना है, जीवन में कैसे 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 ऊंचाइयों को पाना है। तो आइए एक कथा के माध्यम से अपन सुनते हैं। शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है। बड़े दिनों के बाद गुरु चरणों में आ, बड़े दिनों के बाद गुरु चरणों में आ, गुरुवर की कविता गाई रे, शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई रे। आचार्य भगवान का उपवास था, अष्टमी चतुर्दशी को जो उपवास करते थे, अष्टमी चतुर्दशी को जो उपवास करते हैं और जीवन को कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं,
श्रावकों की चर्या को क्या क्या बताना चाहिए, श्रावकों की चर्या को कैसे निभाना चाहिए, अपने जीवन को कैसे बढ़ाना चाहिए, गुरुओं को आहार दान देव करके अपने पुण्य का संचय कैसे करना चाहिए। तो आइए इस कथा के माध्यम से सुनते हैं, जिसे आचार्य श्री ने एक अनूठा तपस्वी के रूप में बताया है। स्वयं के हाथों सिंह गुरुसेवा, उससे मिलती अद्भुत मेवा, व्रत सेठ की चालीस नाव पर गुरुसेवा में स्वतन मन अर्पण। बाबू तुम्हें क्यों भारी उठाओ, हम सेवक देश पर माओ, गुरु सेवा का चिंतन दूंगा, वैयावती स्वर से करूंगा। दीन गुरु चरिया में होते, इंद्र इंद्राणी बन रहते ये करते, गुरु जीवन जो तुम भी सार्थक, ना छोड़ो चरणों को अंत तक। एक रात्रि विश्राम डाकू कर नींद भराम, एक रात्रि विश्राम डाकू कर नींद भराम, गुरु लख दान करे पुण्य, ना कमाई रे शुभ घड़ी आई रे, आई रे शुभ घड़ी आई रे। आइए इस बात को समझते हैं, क्या कह रहे हैं आचार्य भवन। जब तपस्वी सम्राट के चरणों में ये थे, तो तपस्वी सम्राट के जब आहार होने का समय आया, तो जब आहार के लिए वो निकलते थे ना, तो सेठ एक वृद्ध सेठ थे कि कटक के राजा थे, वो लोग कटक के राजा ही होंगे, जब गुरु की सेवा करेंगे अपने ऊपर थोड़ा भार लेकर के चलेंगे तो राजा ही तो कहलाएगा। तो कटक के सेठ वृद्ध संपत रहा है, गुरु की सेवा में उपस्थित थे, और फिर उन्होंने जब गुरु का विहार कराया तो गुरु की चर्या, गुरु का कमरा, गुरु का रास्ते में कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कमरे की सफाई झाड़ू स्वयं लगाते थे, गुरु का कमरा स्वयं साफ करते थे, गुरु की चर्या में स्वयं आगे आगे रहते थे, जिसके 40-40 नौकर थे, फिर खुद को उनको काम करना। यहाँ पर तो देखो सृष्टियों ने कैसी व्यवस्था जमाई है, बैठने के लिए कुर्सी रखती है, यहाँ पर बड़ा सारा पंडाल बना दिया है, बारिश हो तो चल फोर व्हीलर गाड़ी भी बना दी है, गर्मी हो तो हर एक एक हाथ पे पंखे लगा दिए हैं, और आकर के बैठ जाते हैं उसके नीचे, जीव होके उसकी हिंसा का दोष किसको लगेगा है? और हम उसका थोड़ा सा अपने हाथ की जेब में घुमा तो रहता है, पर उसके परिमार्जन नहीं करते हैं, देखते रहिए है। और वो देखो सेठ जिसकी इतनी बड़ी करोड़ों की संपत्ति, और गुरु चरणों में अपने हाथों से गुरु के रूम में कक्ष में झाड़ू लगाते हैं, गुरु का सिंहासन अपने हाथ से साफ करते हैं, गुरु के कपटल को पकड़ के चढ़ते हैं, गुरु का चौका लगाते हैं, पूरा चौका अपने हाथ से बनाते हैं। ज्ञानी सुनो इस बात को ध्यान से, बहुत सारे नौकर रख लिए है ना, टाइम पर आते हो, थाली बनी लग जाती है, आकर के आहार दे देते हो, उसका पुण्य नहीं लगता। एक बच्ची जब रोटी बनाना नहीं जानती है, फिर जब रोटी बनानी आती है, कभी पाकिस्तान का नक्शा बनता है तो कभी बांग्लादेश का, लेकिन फिर भी जब रोटी अपने हाथ से बना करके माँ को खिलाती है, तो माँ बोलती माँ माँ एक बार खा लो, देखो मैंने पहली बार रोटी बनाई है। इसी तरह है श्रावको, अपने हाथ से थाली बनाओ, अपने हाथ से पूरा चौका लगाओ, उसका आनंद देने का जो पुण्य उदय होता है, वो पूरे देव लोग उसकी वर्षा करते हैं। जब श्रावक गुरु को आहार दान देता है, कलाचाशी का उपास था ना, किसी किसी पता है उपास था, सबको पता है वो आहार दोगे कि नहीं दोगे। तो जब श्रावक साधु को आहार देता है, तो 8 चीजों का दान करता है, कितनी चीजों का, 8 चीजों का दान करता है। देहो पाणारुवं विच्छं धम्मंतो सुहं मुखं सर्वदिनं नैव हवै आहारदानेन। किस किस के साथ दान करता है ध्यान से सुनना, देहो पाणारुवं विच्छं, ये देह बनती है किससे बनती है,
जब आहार भोजन आदि ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद कैसे बनती है, उसमें फिर प्राण आते हैं, वो फिर उससे फिर रूप, जब कोई खाता पीता नहीं है तो कैसे सुखड़ा जैसा हो जाता है, ना खड़े होते बनता है ना बैठते बनता है, दो चार लोगों को पकड़ के चलना पड़ता है, फिर उसे रूप बनता है, फिर उससे जाकर के विद्या अर्जन करते हैं, समय सार आदि पढ़ते हैं और उस समय सार को आप सबके सामने गुरु परोसते हैं, उससे धर्म करते हैं और उससे महान तप करते हैं, फिर इससे जो जो सुख की प्राप्ति होती है, अंतिम में जाकर के वो सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, उसका पुण्य किसको लगता है, बोलो बोलो, जो आहार दान देता है। फिर क्या हुआ, आहार दान तो दे दिया, पुण्य बहुत सारा अर्जन कर लिया, अब जब गुरु का विहार हुआ सन्मति सागर गुरुदेव का, तो बहुत सारे टापुओं ने हमला कर दिया उनके ऊपर, वहां पे रात में निद्रा में सो रहे थे, उनका चटाई का त्याग था, उनका पाटे का त्याग था, थोड़ी सी घास लेते थे पर उसे मिली नहीं, तो उसे छोटी सी घास मिली उसमें वो सो रहे थे, फिर किसी सावक ने आके उनके ऊपर घास डाल दी, क्योंकि बहुत कड़कड़ाके की ठंडी थी, अब जब कड़कड़ाके की ठंडी थी तो जब घास डाल दी उनके ऊपर, तो उनके पैर का थोड़ा सा अंगूठा खुला हुआ था, डाकुओं ने उनके ऊपर उपद्रव किया, वहां पे आए तो जब उनकी ब्रह्मचारिणी वहां पे थी, पूछा ये कहाँ है क्या है, तो उन्होंने कुछ कहा कि ये साधु के बर्तन है, साधु की चर्या में प्रयुक्त होते हैं, आपके किसी काम के नहीं है, तो उन्होंने बोला साधु कहाँ है, तो साधु के पास जब लेकर के गए तो उन्होंने उनको दूर से देख करके ऐसे तपस्वी सम्राट के चरणों में जाते ही दूर से डाकू का डाकूपना दूर हो गया, और दूर से उनके चरणों को जैसे छुआ तपस्वी सम्राट खड़े हो गए और उनको नमस्कार करके उपद्रव तो करना दूर, एक रुपया अपनी जेब से निकाल करके उनके चरणों में दान करके चला गया। इसीलिए अपने जीवन को आहार दान आदि देकर के पुण्य कमाना चाहिए, फिर अपने जीवन में क्या होगा, शुभ घड़ी आई है आई रे, शुभ घड़ी आएगी, शुभ घड़ी आई रे आई रे, शुभ घड़ी आएगी, फिर चरणों में आज आहार दान दिया, फिर चरणों में आज आहार दान दिया, पुण्य की करो हरि पाई, भावना के साथ अपने जीवन को सार्थक करें, आहार दान आदि देकर के अपने जीवन को समुन्नत उज्ज्वल गति तक पहुंचाए, इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पंडित विप्राचार्य विषय योग्य।